अजमेर में चौपाटी पर हाथ में बंदूक लहराते एक युवती का वीडियो हो रहा था वायरल, जिसकी सूचना किशनगंज पुलिस को मिलने पर उनने तुरंत प्रभाव से युवती का पता लगाते हुए युवती को लिया हिरासत में। पूछताछ के पश्चात पता लगा कि युवती के हाथ में जो बंदूक नजर आ रही है वह नकली है, वह अमेजोन से मंगाई गई। पुलिस ने वीडियो को अनैतिक गतिविधि में कंसिडर करते हुए युवती पर धारा 151 लगाकर उनको कोर्ट में पेश किया तथा अगली बार से ऐसा कुछ न करने की हिदायत देते हुए रिहा किया। मैडम, क्या कारण है कि आपने ये वीडियो बनाया? क्या फेमस होने के लिए बनाया क्या वीडियो? कल कुछ पत्रकार बंधु मेरे पास आए थे और उन्होंने एक वायरल वीडियो के बारे में मुझे सूचना दी थी कि इस तरह का एक वायरल वीडियो है, लेकिन चूंकि वो इसका जगह स्पष्ट नहीं थी तो इन्होंने ही मुझे सुझाव दिया कि ये चौपाटी का प्रतीत होता है। चौपाटी के उसके आधार पे हमारी स्पेशल जो साइबर टीम है उसकी इंस्टाग्राम आईडी से हमने ये, क्योंकि उसके पास हमारे पास कोई नंबर और जानकारी नहीं थी, उसका इंस्टाग्राम अकाउंट चेक किया गया इस बच्ची का। तो इंस्टाग्राम अकाउंट से ये पता चला कि ये बच्ची बालूपुरा स्कूल के सामने रहने वाली शिवानी है और इसने अमेजन से ये नकली रिवॉल्वर खरीद के और अपना वीडियो बनाया था। उसके आधार पर इसको बुलाया गया SHO क्रिश्चियनगंज श्री रविंदर द्वारा और बुला के बच्ची से पूछताछ की गई और पूछताछ करके देखा गया तो वो हालांकि पिस्टल नकली थी, लेकिन फिर भी सावधानीवश और कानूनवश इसको 151 में किया और अभी पेश किया गया है और SDM मैडम आ रही है, उनके यहाँ पेश किया जा रहा है। कई लोग फेमस होने के लिए इस तरह की करते, ये सही है कि कई लोग नई जो जनरेशन है उसमें नए वीडियो बनाने का और इस तरह का क्रेज होता है और उसके तहत ही इसने अमेजन से जनरल वीडियो देख के और ये मंगाया। हालांकि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए और नई जनरेशन को भी इसका ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह की चीज़ें नहीं करें। हाँ, बच्ची को बहुत अच्छी समझाइश की गई है और बच्ची के पिताजी चूंकि अभी नहीं है, मैंने उनको व्यक्तिगत रूप से बच्ची के पिताजी को बुलाया है ताकि उनको समझाइश की जा सके। इसकी आईडी से वीडियो डिलीट करवा दी क्या? वो करवा रहे हैं अभी। ठीक, धन्यवाद।